हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एंड बेस्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक हिंदी मूवीज़ के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पे मौजूद हैं और इनको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक हिंदी मूवीज़ के बारे में बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले नंबर 5 पे हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम था जब हैरी मेट सेजल, जो कि 2017 में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 hours 23 minutes था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, चंदन रॉय और एवलिन शर्मा शामिल थे। 4th नंबर पर हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम था ओम शांति ओम, जो कि 2007 में रिलीज़ की गई थी। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 hours 42 minutes था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें शाहरुख खान, दीपिका पाडुकोण, अर्जुन रामपाल और श्रेयस तालपाड़े शामिल थे। 3rd नंबर पर हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम था हसीन दिलरुबा, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 hours 16 minutes था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसे, हर्षवर्धन राणे और आदित्या श्रीवास्तवा शामिल थे। 2nd नंबर पे हम जिस मूवी की बात करेंगे उसको भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस मूवी का नाम था ये जवानी है दीवानी, जो कि 2013 में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 hours 40 minutes था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे भी मौजूद है और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें रणबीर कपूर, दीपिका पाडुकोण, कल्की कोचलैन और आदित्य रॉय कपूर शामिल थे। लास्ट में नंबर 1 पे हम जिस मूवी की बात करेंगे वो मेरी अपनी भी फेवरेट है और इसे लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस मूवी का नाम था जोधा अकबर, जो कि 2008 में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 3 hours 33 minutes था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, पूनम सिन्हा और सोनू सूद शामिल थे। तो आप इस मूवी को लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।